नवी मुंबई नेटवर्क। नवी मुंबई पुलिस आयुक्त विपिन कुमार सिंह के नेतृत्व में नवी मुंबई पुलिस ने कुख्यात गैंगस्टर विक्रांत उर्फ विक्की देशमुख समेत उसके 11 साथियों को गिरफ्तार करने में बहुत बड़ी कामयाबी हासिल की है। पुलिस आयुक्त विपिन कुमार सिंह ने बताया कि पुलिस द्वारा इस गिरोह के माध्यम से किए गए करीब 7 अपराधों पर से नवी मुंबई पुलिस ने पर्दाफाश करने में भी कामयाबी हासिल की है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर 3,06,000 रुपयों का माल भी बरामद किया है। बता दें कि नवी मुंबई पुलिस ने उरण, बेलापुर, नेरुल, उलवे, पनवेल जैसे अनेकों ठिकानों से फिरौती मांगने वाले विक्रांत और विक्की देशमुख और उनके तमाम साथियों को हिरासत में लिया है। गौरतलब है कि वांटेड आरोपी विक्की देशमुख अपने गैंग के जरिए नवी मुंबई समेत आसपास के तमाम क्षेत्रों में दहशत फैलाने का काम किया करता था। इतना ही नहीं, मोस्ट वांटेड विक्की देशमुख और उनके साथियों के ऊपर हत्या का प्रयास, जबरन चोरी, डकैती, अपहरण, जबरन वसूली और बलात्कार जैसे कई गंभीर और संगीन आपराधिक मामले तक दर्ज हैं। विक्की देशमुख पर सचिन घरत की हत्या, अशोक घरत की अपहरण और हत्या, टीवी केबल ऑपरेटर से फिरौती, क्रशर प्लांट संचालक से फिरौती, नाबालिग बच्ची के साथ बलात्कार जैसे अपराध में विक्की देशमुख का साथ देने वाले उनके साथियों को भी नवी मुंबई पुलिस ने अब गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे धकेल दिया है। कुख्यात गुंडे विक्की देशमुख और उनके गिरोह के सभी सदस्यों को गिरफ्तार करके नवी मुंबई पुलिस ने विक्की देशमुख के गिरोह को ही अब खत्म करने में कामयाबी हासिल की। पुलिस आयुक्त विपिन कुमार सिंह ने लोगों से अपील की है कि अगर किसी भी शख्स को विक्की देशमुख गिरोह द्वारा धमकी दी गई है तो वह पीछे नहीं रहें, नवी मुंबई पुलिस से संपर्क करें और उनके खिलाफ शिकायत दर्ज करवाएं। बता दें कि विक्की ने अपनी दहशत से अब तक करोड़ों रुपयों की फिरौती मांगने का काम किया था। पनवेल से लेकर के उरन और नवा सेवा, गवान और उस एरिया में एक्टिव जो एक गैंग थी उसका जो मुख्य सूत्रधार विक्रांत देशमुख उर्फ विक्की देशमुख करके है, इसके ऊपर इसके पहले भी 38 केसेस दाखिल हैं और बाकी इनके जो मेंबर्स हैं उस पर किसी पे 14 केसेज हैं, किसी पे 10 केसेज हैं और 5 MCOC केसेज लगे हुए हैं। पहले भी ये जेल में रहा है, मतलब गैंग के लोग जेल में रहे हैं, फिर बाद में बाहर आए। इन्होंने इसके पहले जेलर पे फायरिंग भी किया हुआ है और ये बड़ा ही साथी बहुत चालाक अपराधी है और इसको पकड़ने के लिए काफ़ी मेहनत करना पड़ा। हमारे लोग काफ़ी दिन से इसके पीछे लगे थे। इसकी खास बात थी कि ये कोई कम्युनिकेशन सिस्टम को यूज नहीं करता था, तो फिर भी इसको हमारे लोगों ने बड़े ही अच्छे तरीके से तपास करके इनको अरेस्ट किया गोवा से पिछले महीने में। गोवा में आपको पता होगा कि ये कैसिनो में वहाँ पे गिरफ्तार किया गया था। उसके बाद इसके पास से पिस्टल जब्त किया। इसके बाद में तपास करते करते अभी तक हम लोगों ने इस गैंग के 11 लोगों को फ्रेश अभी अरेस्ट किया हुआ है इसमें, और करीब अभी 6 इन्वेस्टिगेशन, 6 केसेज, उसमें 2 केस मर्डर का है, नेरुल का जो मर्डर का है वो सचिन गर्जे पहले जिसमें 4 आरोपी गिरफ्तार हो गए थे वो केस वापस, उसमें जो वांटेड थे ये विक्की देशमुख और बाकी इसके साथीदार, उस केस में ही 11 लोग अभी गिरफ्तार हुए हैं। इसके बाद में एक अशोक घरत का किडनैपिंग और मर्डर का केस है नवा सेवा का, उसमें भी 5 लोग गिरफ्तार हुए हैं। उसके बाद में एक्सटॉर्शन के 2 केसेज हैं, इसमें NRI का केस है जिसमें एक इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कंपनी से इसने 10% की भागीदारी मांगे थे एक्सटॉर्शन के रूप में, और नवा सेवा का भी एक एक्सटॉर्शन केस है जिसमें क्रशर चलाने वाले व्यक्ति से इन्होंने 80,00,000 रुपए लिए और बाद में उसने क्रशर बंद कर दिया तो इन्होंने कब्जा कर लिया क्रशर को। 3 उसमें भी अरेस्ट हो गए हैं। उसके बाद में ये दोनों जो मेन आरोपी हैं विक्की देशमुख और बाला देशमुख, इन दोनों पे अलग अलग CBD में और दूसरे पुलिस स्टेशन में NRI में रेप 376 और 377 और पोक्सो का भी केस दाखिल हुआ है। ये 2 जो अलग अलग माइनर गर्ल्स हैं, एक पुणे की है तो वो केस हमने मंचर को भेज दिया है और एक हमारे पास अभी NRI में है यहाँ पे, और 6वां केस है अभी एक विकास
विक्रांत भोईर करके है जो इनका ही साथीदार है, उसके घर से हमको एक पिस्टल मिला है, दो राउंड मिला है। ऐसे अभी हमने आज के दिन में हमारे पास में 11 लोग अरेस्ट हैं, बाकी लोग तपास चल रहा है, बाकी लोग अभी अरेस्ट होने बाकी हैं। अभी जो लोगों से पहले कुछ किया होगा तो लोगों ने कंप्लेंट देना शुरू कर देना चाहिए जी। तो उससे क्या है कि वो अपने आप में वो जो डर निकल जाएगा, और अभी इतनी कार्रवाई हो रही है, सारी कार्रवाई होगी, तो मुझे लगता नहीं कि अभी दोबारा ये गैंग रीऑर्गेनाइज होगा और दोबारा कुछ करेगा। लेकिन इसमें और कितने लोग हैं, अभी कुछ और लोग हो भी सकते हैं जो सपोर्टर्स हैं या जो एक्टिव होंगे, कहीं और छुपे होंगे, क्योंकि अभी हमारे पास 14-15 लोगों की तो पूरी लिस्ट आ गई है। और भी अगर कोई है, हार्बरिंग में है, कोई सपोर्ट में है, कोई क्राइम में, कहीं कुछ उसकी प्रॉपर्टी यूज़ करने में होगा, तो वो सब देखेंगे अभी। तो ऐसा मुझे लगता है कि अभी ख़त्म हो जाना चाहिए, इसे कोई दहशत नहीं रहेगी और नहीं होना चाहिए दहशत। इसीलिए आपके माध्यम से हम अपील करते हैं कि जो भी जिसको कहीं से भी किसी को इस बारे में कुछ बोलना है, कंप्लेंट देनी हो, कुछ हुआ है किसी के साथ में, तो आप बिना डर के हमारे पास आइए और हम सारी कार्रवाई करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, नवी मीडिया नेटवर्क।